हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कुर्ती की जोड़ी यानी कि कुर्ती का घेरा फोल्ड करना नीचे से, वो भी परफेक्ट तरीके से। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर, और कुछ समझ में ना आए तो कमेंट भी कर दिया करो। तो आइए करते हैं शुरू वीडियो। ये देखो, ये मैंने कुर्ती ली है, ये कुर्ती नीचे से मैंने फोल्ड कर ली है, ये घेरा मैंने नीचे से फोल्ड कर लिया है। अब देखना है हमें साइड से ये जोड़ी यानी कि घेरा इसको कैसे फोल्ड करना है, वो भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। अब इसको फोल्ड करने के लिए हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें देखना है ये हिप, इसका हिप साइज कितना है। हम इसका हिप साइज़ देखेंगे यहाँ से। ये देखो, ये सिलाई यहाँ पे लगी है, यहाँ तक है। तो यहाँ पे इंची टेप को रखेंगे और दूसरे कॉर्नर तक लेके जाएंगे। ये दूसरी साइड है हिप की। तो यहाँ तक कितना आया है, यहाँ तक आया है हमारा, ये देखो 23। ये देखो 23 आया है यहाँ तक, यहाँ तक आया है ये 23। तो अब हमें 23 की ही यहाँ पे ये जोड़ी यानी कि घेरा रखना है। तो 23 यानी कि 23, 23 का आधा कितना हो गया, चाहे आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको ऐसे फोल्ड करना है जोड़ी को, ऐसे फोल्ड करके अब हमें देखना है 23 का आधा यानी कि 23 का हाफ कितना हो गया, 11 और 11.5। ये हमारा आया है यहाँ तक 11.5। ये देखो 11.5 पे निशान लगाना है ऐसे। ये एक निशान ऊपर लगा दिया है, एक निशान हमें ये दूसरी साइड लगा दिया है, एक निशान हमें ये यहाँ पे तीसरी साइड लगा दिया है, बिल्कुल इनके सामने ही लगाना है। अब आपकी जोड़ी है जो, ये यहाँ से कम ज़्यादा नहीं होगी, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फोल्ड होगी। और आपको एक ये बात ध्यान में रखनी है, जितना भी आपका हिप साइज है उतनी ही यहाँ पे जोड़ी यानी कि घेरा रखते हैं। अगर कोई आपसे ये बोल के जाए कि मेरी जोड़ी कुर्ती की थोड़ी सी ज़्यादा ही रखनी है, तो आप यहाँ से आधा इंच ज़्यादा भी रख सकते हो। तो आइए अब हम इसको फोल्ड करते हैं। फोल्ड करने के लिए ये हमारा हिप है, यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड करना है और ये जो निशान लगाया है इस निशान के ऊपर से ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ से ऐसे पकड़ना है। ये देखो, अब हमें इसको ना ही तो इसको खींचना है और ना ही नीचे वाले को, दोनों को एकदम इक्वल रखना है। अब हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे एक बार, ऐसे ऐसे फोल्ड कर दिया। अब हम इसके ऊपर से सिलाई लगा देते हैं। अगर आप ये निशान लगा के ऐसे जोड़ी को फोल्ड करोगे तो बिल्कुल ये परफेक्ट तरीके से आपकी जोड़ी फोल्ड हो जाएगी। मशीन को ऐसे घुमाना है और इस कपड़े को यानी कि इस हिस्से को, कुर्ती की ये फ्रंट है या बैक है ये मेरे को नहीं पता है, ये देखा ही नहीं पहले। तो ये देखो, इस कपड़े को हमें ऐसे सीधा करके रखना है, ऐसे ना ही तो ऐसे करना है और ना ही ऐसे करना है, इसको बिल्कुल यहाँ पे ऐसे सीधा करके रखना है, एकदम से ऐसे सीधा आना चाहिए। ये देखो हिप है ना यहाँ पे, तो ये एकदम से ऐसे सीधा रखना है और इसको यहीं पर हम एक बार ऐसे फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर ऐसे सिलाई लगा देंगे। अब इस साइड से भी ये देखो, ये निशान लगा रखा है, तो यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे और एक बार इसको अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर देंगे। अब हमें सीधा ये इसके ऊपर
सीधा करके सिलाई लगा देंगे। ये देखो ये इस साइड भी ये निशान है, इस निशान के ऊपर से ऐसे फोल्ड करेंगे और एक बार हम इसको अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे ऐसे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ से भी ये हिप देखना है और यहाँ से इसको ऐसे अंदर की साइड फोल्ड करके एकदम सीधा, ये हिप है ना, हिप की सिलाई है ये, एकदम से ऐसे सीधे आने चाहिए। यहाँ तक हमारा फोल्ड हो चुका है, थोड़े सी भी इसके अंदर देखो टेढ़ापन थोड़ा सा भी नहीं आया है, यानी कि इसके अंदर झोल बिल्कुल भी नहीं आया है। अगर आप ऐसे निशान लगा के और इसको ऐसे यहाँ से एकदम इस कपड़े को ऐसे सीधा रखना है, ठीक है, और ये आपकी सिलाई भी ऐसे आनी चाहिए सीधी। अब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, अगर आप इसको ऊपर कर देते हो या ऐसे कर देते हो तो जोड़ी के अंदर झोल आ जाता है और टेढ़ापन सा आता है, वो जोड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। यहाँ से भी हम ऐसे इसको फोल्ड करेंगे इस निशान पर से और एक बार हम इसको ऐसे अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। ये देखो बिल्कुल ही सीधी यहाँ पे ये फोल्ड हो चुकी है। ये देखो इसके अंदर थोड़ा सा भी झोल नहीं आया है इस जोड़ी के अंदर। सीधी करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो कितनी फिनिशिंग के साथ ये ऐसे फोल्ड हो चुकी है और अब यहाँ से भी देखते हैं दोनों इक्वल है या नहीं है। ये हमारी दोनों साइड से है, एक साइड तो मैंने ये दिखा दी है, अब इसको ऐसे करके देखेंगे, ऐसे करके देखेंगे। ये देखो बिल्कुल भी छोटी बड़ी आपकी ये जोड़ी नहीं हुई है और बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से फिनिशिंग के साथ ये हमारी फोल्ड हो चुकी है। आज की वीडियो में बस इतना ही, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अभी तक नहीं किया है तो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना।